नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएस सुजानगढ़ चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। इस वक्त हम खड़े हैं गणेश जी के मंदिर के सामने। ओम बनासा महाराज के जन्मोत्सव का कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि भक्तगण यहां पर पेट पलावना और प्रणाम करते हुए ओम बनासा के मंदिर जा रहे हैं। ओम बनासा मंदिर के जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। ओम बनासा के जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और जिन भक्तों की, जिन श्रद्धालुओं की मुराद पूरी होती है, वो अलग अलग तरीके से अपने श्रद्धा को प्रकट करते हैं। और आप अभी देख सकते हैं कि जमीन पर लेटकर प्रणाम करते हुए गणेश जी के मंदिर से ओम बनासा मंदिर तक की यात्रा की जा रही है भक्तों के द्वारा। Thank you.
मंदिर का कार्यक्रम चल रहा है और कई भक्त अपने अपने तरीके से श्रद्धा प्रकट करते हैं। एक भक्त हमारे साथ में है जो पेट पलावना के रूप में गणेश मंदिर से यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे थोड़ा परिचय जानते हैं। आप अपना नाम और अपनी कहाँ से आए हैं आप? मैं सरदार सर से आई हूँ, मेरा नाम सोनू देवी है। आपका नाम? मेरा नाम सरदार सर से आए हुए हैं और संजय प्रजापति है, पिताजी का नाम श्री कन्यालाल जी प्रजापति। तो यहाँ पर आप ओम बनासा के मंदिर कहाँ से आ रहे हैं इस तरह से पेट पलावना? गणेश मंदिर से आ रहे हैं। तो क्या ऐसी आपकी मन्नत पूरी हुई या क्या ऐसी आस्था जुड़ी आप में ओम बना की? मेरी आस्था पूरी हुई, जो मैंने मांगा वो मुझे मिल गया एकदम अच्छी तरह से। मेरे में मैं बच्चे मांगने की आस की, वो मेरे को मिल गया बच्चा। हर बार आप बार बार आते हैं ओम बना या पहली बार है? नहीं, मैं बार बार आती हूँ, हर प्रोग्राम में शामिल होती हूँ मैं। काफी दिनों से आ रही हूँ, हर साल से आ रही हूँ मैं। और क्या कहना चाहेंगे जो भी लोग ओम बनासा में आस्था रखते हैं? ओम बना में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ओम बना की आस्था रखते हैं उसकी हर इच्छा पूरी होगी। आप भी बार बार आते हैं? जरूर आते हैं, सुजानगढ़ जब से मंदिर बना है ये ओम बना तब से आते हैं। ओम बनासा मंदिर का जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और भक्त दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। हमारे सामने सरदार शहर से यहाँ आ रहे हैं, पेड़ पलावना के रूप में गणेश मंदिर से यहाँ पर चल कर आ रहे हैं। अभी उनसे बातचीत की हमने। Thank you.
अब हम पहुंच चुके हैं ओम बनासा और भटियाणी माता जी के मंदिर का प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं। आज जन्मोत्सव के लिए विशेष तैयारियां की गई है और दिव्य रूप से सजावट की गई है, गुब्बारों से रंग बिरंगे दिव्य सजावट। भटियाणी माता जी मंदिर और श्री ओम बनासा मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, सुजानगढ़ का ओम बनासा का मंदिर जहाँ जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। अभी आपने देखा कि एक भक्त जिसकी मन्नत पूर्ण हुई है वो अपने श्रद्धा से पूरे गाजे बाजे के साथ पेट पलावन आ रहे हैं और अभी यहाँ मंदिर में भी दिव्य तैयारियाँ आरती की चल रही है, दिव्य सजावट यहाँ पर की गई है। आइए इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और हम भी दर्शन करते हैं और इस दिव्य सजावट का अवलोकन करते हैं। ओम बनासा मंदिर का दिव्य दरबार आप देख रहे हैं, ओम बनासा मंदिर दिव्य सजावट। आज जन्मोत्सव की विशेष तैयारियां यहां मंदिर में की गई है, दिव्य परिसर है ओम बनासा मंदिर का और भक्तगण आप देख सकते हैं अभी भी यहां पर बैठे हैं। अभी कुछ ही देर में यहां पर आरती होगी और जोत वगैरह ली जाएगी। पूरे मंदिर परिसर की दिव्य सजावट यहाँ की गई है मंदिर में। भटियाणी माता जी का मंदिर, श्री ओम बनासा का मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। पूरी मंदिर परिसर की एक दिव्य सजावट आप देख रहे हैं। आज चूँकि जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है तो पूरी श्रद्धा और भावना के साथ सजावट की गई है मंदिर की दिव्य रूप से। और यह दिव्य दरबार गर्भगृह जहां पर भटियाणी माता जी की दिव्य प्रतिमा विराजमान की गई है, भटियाणी माता जी का दिव्य दरबार श्री ओम बनासा मंदिर, भटियाणी माता जी मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। गर्भगृह में एक दिव्य प्रतिमा और पास ही में ओम बनासा की प्रतिमा भी लगाई गई है। आज जन्मोत्सव के कार्यक्रम को लेकर के पूरे मंदिर परिसर की दिव्य सजावट की गई है। भटियाणी माताजी मंदिर का दिव्य दरबार का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ की सजावट दिव्य रूप से आज की गई है। यहाँ एक दिव्य आरती होगी आज, उसके भी दर्शन हम आपको करवाएंगे। वैसे ओम बनासा का मुख्य जो धाम है वो पाली जिले के चोटीला गांव में है और विभिन्न रूप से लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ वहां जाते हैं और कहते हैं वहां ओम बनासा के दर्शन करने से लोगों की मान्यता है, एक्सीडेंट वगैरह का डर नहीं रहता। इस वक्त हम खड़े हैं ओम बनासा मंदिर, भटियाणी माता मंदिर सुजानगढ़ में, जहां पर आज ओम बनासा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है जिसमें अब दिव्य सजावट यहां पर की गई है। तैयारियों को लेकर के बातचीत करते हैं इस मंदिर में, जो इस मंदिर में नित्य सेवा पूजा का कार्य करते हैं। सर्वप्रथम अपना परिचय बताएं सर। मेरा नाम मानकचंद पारिक है, मैं सुजानगढ़ का ही हूँ और ये अभी ओम बना माता रानी भटियाणी सा के मंदिर में खड़े हैं। आज ओम बना का जन्मदिन है। ओम बनासा का जन्म वैशाख शुद्धि अष्टम 2021 वार सोमवार को हुआ था। वैसे मूल रूप से जो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर पाली जिले के चोटीला गांव में ओम बनासा का जन्म हुआ ठाकुर जोग सिंह जी के यहां, और यहां उनकी मान्यताएं पूरे आज पूरे राजस्थान पूरे भारत में धीरे धीरे फैल रही है और जगह जगह उनके मंदिर हैं। आज सुजानगढ़ में भी उनका मंदिर है और एक अद्भुत मान्यता यहाँ पर भी लोगों की है और कहते हैं यहाँ पर भी लोगों की मन्नतें पूरी होती है। आप इस मंदिर से कब से जुड़े हुए हैं? 2011 से मैं, जब से ये मंदिर बनाया तब से मैं इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। और आपने क्या महसूस किया आप इस मंदिर में आते हैं तो? इस मंदिर में मेरे को जीवनदान ही मिला था। आज मैं जो खड़ा हूँ ये माता रानी भटियाणी से आके कृपा से ही खड़ा हूँ। तो ऐसा आपके साथ क्या घटना हुई? मैं बीमार था और मैंने एक टेबलेट भी नहीं ली और माजिशा ने मुझे ठीक किया। यहाँ ओम बनासा के मंदिर में नित्य सेवा पूजा अर्चना करने वाले और भी हमारे साथ में हैं, भाई साहब हमारे साथ में, उनसे सर ये इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहूँगा कि ये मंदिर यहाँ पर कब से बना हुआ है और आपकी किस तरह से इस मंदिर के प्रति भटियाणी माता जी के प्रति आस्था रही? देखिए हमारे तो कुल देवता मतलब नागणीची माता है, माजिशा है, ओम बनासा है, हमारे वंश के कुल देवता है,
तो इसलिए हम तो जब संसार में आए थे तब इन्हों को देख रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं जो हमारा परिवार करता था और हम कर रहे हैं। तो ये तो इस सुजानगढ़ में यहाँ मंदिर बनाने का किस तरह से ये प्रोग्राम का हुक्म हुआ था माता रानी का? कितना समय हो गया इस मंदिर को? मंदिर को सब तो 15 साल हो गए इधर आए हुए, मेरे को मंदिर को 10 साल हो गए होंगे मुझे। तो यहाँ पर किस तरह से, जिस तरह भक्तों का यहाँ पर जुड़ना हो रहा है, तो क्या महसूस हो रहा है यहाँ पर, किस तरह लोगों की आस्था है? अच्छा लगता है जब इनकी सेवा करती हूँ, कोई यहाँ पे आता है उनका कष्ट करता है, लोग खुशी से वापस आते हैं। मत यही चाहती हूँ बस सबकी मनोकामना पूरी हो और सबका कष्ट करता रहे माता रानी ओम बनासा की, सब पे आशीर्वाद रहे। नागणी चिमासा हमारी कुलदेवी है, राठौड़ों की कुलदेवी है, तो इधर हुक्म हुआ मतलब हमारे वंश में ही मंदिर बनाना है, तो इसलिए हम इधर आके मंदिर बनाए। तो आज आज ओम बनासा का जन्मदिन है, जयंती है, जन्मोत्सव कहें, उस उत्सव में ही जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज चोटीला धाम में भी आज कार्यक्रम है, आज यहाँ सुजानगढ़ में भी कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम, इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में किस तरह से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस ये संदेश जाना चाहूँगी कि सब अपने अपने इष्ट देवता को मनाते रहें, और जो हमारी राजस्थान की जो संस्कृति है, भक्ति है भगवान के प्रति, उसको बनाए रखें। मतलब ये ना सोचे कि आजकल वो जमाना आ गया, वो आ गया, भगवान अपनी जगह पे है और रहेंगे हमेशा। तो आपकी भक्ति और अपना विश्वास उन्हें छोड़े कभी, इनसे जुड़े रहे हमेशा। बिल्कुल, आस्था ही शक्ति है और आस्था का पर कोई सवाल भी नहीं होता। एक भक्त हमारे साथ में और भी हैं, उनसे परिचय जानते हैं। नाम बताएं सर। बाबूलाल बैस, सुजानगढ़ निवासी, प्रवासी हैदराबाद। तो यहाँ ओम बनासा के मंदिर में कब से आना हो रहा आपका? अभी 2 साल से करीब होने लगा, 2-3 साल से। तो यहाँ ऐसी क्या आस्था का कारण बना, किसी ने बताया इस मंदिर के बारे में या आप स्वतः रूप से आए? वैसे तो किसी ने बताया, फिर बाद में शुरू में आस्था अच्छी हो गई और हैदराबाद से चल के अभी आया हूँ स्वामणि करने के लिए। अच्छा, स्वामणि करने के लिए आए आप यहाँ पर? बिल्कुल, यानी कि ओम बनासा का आप पे विशेष आशीर्वाद रहा। विशेष आशीर्वाद रहा। तो आप बार बार आना चाहेंगे? हाँ जरूर। सुब्रा गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो गढ़ है बीकानेर।
बलोचनायो भाटी आगर हे श्री जैसलमेर दिन पड़ने दशा पड़ने पलट जावे परिवार आग मत पलटे जो माँ जसोदरा दरबार बोले भटिये देवार्त की रानी माता ओ मैया जे
बोलिए सबै सिंह दाता की जय हो। Nice.
सारे
बापे के द्वार पे जो भी आया, आकर वे कभी नहीं पछताया। तिमिर नाश कर किया प्रकाशा, अनहोनी को होनी कर दो। रोतों की माँ झोली भर दो, जो सोलगढ़ है आपका गाँव। चित फल पाते आपकी है निराली माया, ओढ़ी भी पावे कंचन काया। भूत प्रीत सब आपस कांपे, जब भी नाम आपका जापे। कटे रोग सब मिटे कलेसा, फिर नर निर्भय हो या मेसा। जीवन ज्योति आप है देख, रामन के हो रखवारे। इनके खातिर शत्रु सहारे, आपके तेज को नमस्कार। इस कलयुग में चमत्कार, साथ आपके जीवन मरण अब हाथ आपके। ढोल मजीरा नो मगबाज, सुबह शाम आरे रामिनी सोभाराई। चारे दावे आपके पुजारी, प्यार रंग माने मन भावे। पारव जोड़ी चीर रावे, आप हो संगी ये अवतारी। आपकी महिमा है अति भारी, होती माँ की जोधरी आली। कर दर्शन कोई जाए न खाली, जीवन दान आप ही देते। सदा सुमन प्रेम लेते, भक्त आपको जब भी पुकारे। हाजिर होके कष्ट निवारे, चुन चुन दो प्रभु आप संभालो। भक्ति करे माँ उसको उतारो, मन बुद्धि के आप बताता। वो समस्त जग जननी माता, भजन आपके नारी न जाते। महा पिता से आप बचाते, जो भी डर के आप मिटाया। जो माँ का सो जीवन पाया, बड़े होने ज्ञानी माँ ज्ञानी। सबने बात आपकी मानी, जानत सबके मन की बात। रक्षा करते Thank you.
महाराज ओम मनासा मंदिर का दृश्य हम देख रहे हैं, जहां जसोल माता भटियाणा माता मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। दिव्य सजावट यहां की गई है आज ओम मनासा के जन्मदिन के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, और अभी दिव्य आरती का दर्शन आपने किया। पूरे मंदिर परिसर की आज एक दिव्य सजावट की गई है। आज जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। गणेश जी के मंदिर से चलकर और पेट पलावना ओम मनासा के मंदिर भक्त पहुंच रहे हैं, जिनकी मन्नत पूर्ण हुई है और ओम मनासा के धाम अपने जैसा कि उन्होंने मन्नत के वक्त माना था वो उसी हिसाब से पूरे कर रहे हैं। अपनी अपनी श्रद्धा प्रकट करने का तरीका है। ओम मनासा में गहरी श्रद्धा। ओम मनासा मंदिर परिसर का आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दिव्य सजावट आप देख रहे हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से दिव्य सजावट की गई और भक्तों की भीड़ यहां पर। और सुजानगढ़ गणेश मंदिर से चलकर पेट पलावना आप यहां तक ओम मनासा के मंदिर पहुंच चुकी हैं।
आज ओम मनासा का जन्मदिवस है। यहाँ पर विशेष तैयारियाँ की गई है और भक्तों की भी भारी संख्या में भीड़ है। ओम मना धाम मंदिर का दृश्य सुजानगढ़, जहाँ पर आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में भक्तों की भारी संख्या में भीड़ है और जिनकी मन्नतें पूर्ण होती है वो अपने अपने तरीके से ओम मनासा में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक और भारी संख्या में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज यहाँ एकत्रित हैं ओम मनासा का जन्मदिन मनाने के लिए। और जसोल माता भटियाणी जी माता का मंदिर, ओम मनासा का मंदिर सुजानगढ़ का दृश्य, जहाँ सोनू देवी पेट पलावना ओम मनासा के मंदिर पधारी हैं। और अब ओम मनासा का जन्मदिन है तो ओम मनासा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ विशेष तैयारियाँ की गई है, सजावट की गई है और केक भी मंगवाया गया है। केक काट कर ओम मनासा का जन्मदिन सभी भक्तों के द्वारा यहाँ मनाया जाएगा। यहाँ ओम मनासा की और भटियाणी माता जी की दिव्य आरती का भी दर्शन आपने किया और गहरी श्रद्धा यहाँ लोगों में जुड़ी हुई है। आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हैं और अपने अपने तरीके से श्रद्धा भाव प्रकट कर रहे हैं। ओम मनासा सभी के कष्ट दूर करते हैं। वैसे ओम मनासा का मुख्य धाम पाली मारवाड़ में चोटीला धाम है और यहाँ सुजानगढ़ में भी ओम मनासा का धाम है और यहाँ पर भी भक्तगणों द्वारा यहाँ उनकी मन्नतें पूर्ण होती है और लोगों का यहाँ लगातार आने का यह सिलसिला बढ़ रहा है। ओम मनासा का दिव्य दरबार सुजानगढ़। और सोनू देवी जो सरदार सर से आई हैं गणेश मंदिर से पेट पलावना चलकर अपने बच्चे के मन्नत पूर्ण होने की स्थिति में यहाँ पर ओम मनासा के दरबार में पधारी की दिव्य अखंड ज्योत। दरबार सुजानगढ़ का जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, उसे मन्नत मांग रहे हैं और अलग ही महिमा है ओम मनासा की। ओम मनासा का जन्मदिवस है, जयंती का मौका है और इस जन्मोत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ एकत्रित हुए हैं। काफ़ी दिव्य आरती की गई माता जी की और ओम मनासा की और केक काट कर भक्तगण ओम मनासा का जन्मदिन मनाएंगे। और पवन भाई साहब द्वारा केक काट कर ओम मनासा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बोलिए चोटीला सरदार की जय। देख सकते हैं आप आज यहाँ जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सैकड़ों की संख्या में भक्तगण उपस्थित हुए और ओम मनासा का जन्मदिन मना रहे हैं।
हमारे साथ भक्तगण हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और सबसे पहले अपना परिचय, कहाँ से आप? मैं मुंबई से। मुंबई से थाने? नाम? नाम प्रहलाद सिंह चौहान। प्रहलाद सिंह जी, आप यहाँ ओम मनासा के मंदिर में कितने समय से आ रहे हैं? 4-5 साल हो गए। तो यहाँ आने के लिए किसी ने बताया था पहले? हाँ जी, बताया था। तो क्या महसूस हुआ यहाँ आने से? आने से तो एकदम मतलब जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। ऐसी कौन सी इच्छा है जो आप बताना चाहेंगे? मतलब लड़का होने की इच्छा थी, वो लड़का हो गया अपने, दो ट्विंस। अच्छा, आपको जुड़वा लड़का हुआ है? हाँ। तो और बार बार आना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। और भी भक्तगण हमारे साथ में, सबसे पहले अपना नाम परिचय। महेंद्र आर्य सुजानगढ़। महेंद्र जी, यहाँ ओम मनासा के मंदिर में आपको कितना समय हो गया था? मेरे को हो गए 7-8 साल। 7-8 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या ऐसी आपकी श्रद्धा का कारण रहा कि यहाँ बार बार आए? बिल्कुल, श्रद्धा ऐसा है कि मेरे को यहाँ से पुत्र की प्राप्ति हुई है। काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं अपनी मैडम का मेडिकल चेकअप करवा रहा था, जहाँ जा रहा था निराश मिल रही थी, पैसे लग रहे थे। फिर मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे श्रद्धा रखी और कुछ मांगा तो मेरे को भगवान ने ओम बनाने दिया है, तो बहुत बड़ा आभारी हूँ उनका मैं। और आगे भी मैं इनसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ मांगता रहता हूँ। ऐसा भी एक मेरा टाइम आया है जब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया, फिर मैंने इनकी धारणा की तो ऐसी मुसीबत से बाहर आया हूँ जहाँ लोग सोच नहीं सकते, मैं वहाँ से रातों रात बाहर आया हूँ। तो मेरी तो इनके अंदर बहुत धारणा है और मैं तो नतमस्तक हूँ इनके सामने और सदैव रहूँगा। बिल्कुल, यहाँ पर आज जन्मोत्सव, जन्म दिवस मनाया जा रहा है और भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं का आना हो रहा है। और भी भक्तों से हम बातचीत करते हैं कि किस तरह उनकी श्रद्धा यहाँ जुड़ी और किस तरह उनका यहाँ आना हुआ। और भी भक्तगण हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर्वप्रथम अपना नाम परिचय बताएं।
मेरा नाम कृष्णा है, मैं दूलियावास में रहती हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, माटोलिया से हूँ। तो आपका यहाँ ओम बनासा के मंदिर में आने का किस तरह से श्रद्धा हुई, किसी ने बताया था? जब से शुरुआत हुई। किसी ने बताया था या सबसे पहले या मन में ऐसी धारणा बनी या उसा? किसी ने नहीं बताया, और जब शुरुआत इनकी हुई तभी से आती हूँ मैं, पहले से आती हूँ। तो क्या महसूस करते हैं यहाँ आते हैं तो? है? मतलब जिसकी जैसी भावना होती है, हमारी भावना हमेशा से इनके प्रति थी, और उनका काम भी होता है, और वो पर्चा देती है बड़ा बड़ा, और उनका काम होता है, इसीलिए सभी आते हैं भक्तजन। आपने भी अपने जीवन में महसूस किया? हाँ हाँ, ऐसे लगता है जबकि इसे इन्हें नहीं मनाएंगे, कहते क्या इनका क्या चमत्कार है, तो स्वयं हमारे घर के ऊपर इनके जैसे पाँव से चलने की आवाज़ आती है ना, वैसे आती है क्या। मैंने कहा मेरे बेटे को बुला के दिखाओ, वो नहीं आता कभी, तो उसी समय उन्होंने आतो हाथ बुलाया, बेटे ने फ़ोन किया, आओ मुझे तो डर लग रहा है, यहाँ क्या चल रहा है पता नहीं कैसे। बिल्कुल, आस्था पर कोई सवाल नहीं होता, और आस्था में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और यही आस्था से जुड़े हुए लोग यहाँ ओम बनासा के मंदिर सुजानगढ़ में जुड़े हुए हैं, और लगातार यहाँ पर भक्तों की संख्या बढ़ रही है। और भी भक्तगण हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं, कहाँ से आप? मैं यहाँ से ही हूँ, यहाँ के बाकड़ा कॉलोनी से हूँ। मेरा करुणा है नाम। करुणा जी, यहाँ ओम बनासा के मंदिर में किस तरह आपकी श्रद्धा जुड़ी? हमारी एक लड़की थी, वो उसको किसी से ठीक नहीं हुआ, और माजी सा का इतना हुआ चमत्कार कि वो एक महीने में पूरी ठीक हो गई। तो आप यहाँ लगातार आती रहती हैं? मैं तो आती हूँ, और माजी सा भी पधारती है मेरे। बिल्कुल, गहरी आस्था आपकी जुड़ी हुई है। और भी भक्तगण हैं, उनसे भी हम थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे, किस तरह उनका यहाँ पर जुड़ना हुआ। और सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। सब, मेरा नाम बेगराज है, गुज्जर। बेगराज गुज्जर, सुजानगढ़ से हूँ। सुजानगढ़ से ही हैं। तो यहाँ ओम बनासा के मंदिर में किस तरह आपका आना हुआ, और क्या महसूस करते हैं यहाँ आते? जय, मतलब ओम बना के जितने भी मंदिर है, लमसम लमसम मतलब 20-25 मंदिर है, मैं सब जगह ये अपने आप ही बुला लेते हैं मेरे को। जहाँ भी कहीं भी इनका प्रोग्राम होता है, अपने आप ही कोई मतलब मैं गाड़ी चलाता हूँ, अपने आप ही इनका आशीर्वाद हो जाता है उस दिन, अपने आप ही पहुँच जाता हूँ। जैसे पाली धाम के अंदर पहुँच जाता हूँ, यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होता है वहाँ पे आ जाता हूँ, मीघना के अंदर है अपने वहाँ पे आ जाता हूँ, और अपने बालेरी के अंदर है धाम वहाँ पे भी जाता हूँ, और चोटिला भी 2-3 बार गया हुआ हूँ। अपने आप ही मतलब उनका हुक्म हो जाता है, और लमसम 12 से मैं ओमना के मंदिर के अंदर आ रहा हूँ। 12 तो बार बार आना चाहेंगे? बिल्कुल आते हैं, जब भी इनका प्रोग्राम आए ये अपने आप ही बुला लेते हैं। ओम बनासा मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं सुजानगढ़ में, जहाँ पर प्रसाद का कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। सभी भक्त आए हुए प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और ओम बनासा का जन्मदिवस मना रहे हैं। ओम बनासा भटियाणी माता जी, जसोल माता जी के मंदिर सुजानगढ़ से विशेष कार्यक्रम, अभी पूजा अर्चना आरती वगैरह की गई, और जन्मदिन मनाया गया ओम बनासा का, और अब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं सभी पूरी श्रद्धा और भाव के साथ। आज जन्मदिवस के उपलक्ष्य में विशेष तैयारियां की गई, और सभी आए हुए भक्तगणों को प्रसाद दिया जा रहा है, सभी भोजन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं ओम बनासा का। और सभी श्रद्धालुओं का पूरे मन और भाव और श्रद्धा के साथ ओम बनासा का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और लगातार यहाँ व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं सभी, और पूरी श्रद्धा और भाव के साथ यहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा है। ओम बनासा का दिव्य दरबार, सजा धजा दरबार, आज उनके जन्मदिन के मौके पर बहुत ही सुंदर ढंग से सजावट की गई है, पुष्पों से, लाइटिंग से, और व्यवस्था बनाने में लगातार लगे हुए हैं। ओम बनासा के मंदिर से आज उनके जन्मदिवस के कार्यक्रम का आप देख रहे हैं। भाईसा पवन कंवर जी हमारे साथ में हैं, जो लगातार इस मंदिर में सेवा पूजा और
देख रेख करती हैं। यहाँ मंदिर के व्यवस्थाओं के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ मंदिर में जो कितने समय पूजा अर्चनाएँ आरती वगैरह की जाती है और कौन से ऐसे बड़े आयोजन होते हैं जब विशेष रूप से यहाँ भक्तों का आना होता है। यहाँ पे मतलब सुबह 5:15 आरती होती है और शाम को 7:15 होती है और इनका दिन है भादवे की 13 और बाप जी का ये जन्मदिन है और इससे पहले वो पुण्यतिथि मनाई थी हम लोगों ने। भादवे के अंदर उनका बड़ा प्रोग्राम आजिशा का होता है और ऐसे आटे की पूजा होती है, दूज की होती है, सातम की होती है, 13 की होती है। रस भगत जन आते जाते रहते हैं, हर रोज ही आते हैं। तो जब लोग लोग यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर जब वापस आते हैं, जब उनकी मनोरथ पूर्ण होती है तो कैसा महसूस होता है आपको? बहुत खुशी होती है जब किसी का इनकी सेवा करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं। जैसे कोई आता है मेरी ये प्रॉब्लम है तो इनके आगे मतलब हम प्रार्थना करते हैं, उनकी पूरी होती है तो बहुत खुशी होती है। वो आपको जब वापस आकर मिलते हैं और मेरा मकसद यही है बस, पूरी दुनिया के अंदर सब भगवान से जुड़े। मतलब भक्ति में जो शक्ति है ना वो किसी चीज़ में नहीं है, भक्ति के अंदर बहुत शक्ति है और माता रानी बाप जी साग साग है, ये बहुत परचा देते हैं। जो इनसे जुड़ता है उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सारे भगत इससे जुड़े, सबकी मनोकामना पूरी हो, ये माता रानी इसे आशीर्वाद बनाए सुजानगढ़ शहर पे सब जो आते हैं उन पे कोई कष्ट ना आए। भक्ति में शक्ति है वैसे ही है, बिल्कुल भक्ति में ही असली शक्ति है और आस्था। आपको भक्ति करके जो आनंद मिलता है ना वो किसी चीज़ में नहीं मिलता। जो अपन भगवान का नाम लेके इनकी पाठ पूजा करके जो खुशी मिलती है वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। कर्म करो, गृहस्थी है, कर्म करते हैं, करना पड़ेगा, क्यों गृहस्थी जिएंगे तो सारी चीज़ें हैं। कर्म करते रहो लेकिन एक घंटा मतलब पाठ पूजा के लिए निकालो। सबको कहूँगी भगवान की, अपने कुल देवता की, इष्ट देवता की, जो अपनी माता है इनको मतलब इनकी वजह से आज हम दुनिया में। माता जी हर जो शंकर भगवान इतने बड़े थे वही चरणों में झुके थे, हम तो क्या चीज़ है, हम तो इनके चरणों में रहना चाहते हैं। इतना मतलब सूर्य जैसा महसूस होता है मेरे को पाठ पूजा करके, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है और भक्ति से बंध कर भगवान भी यहाँ आ जाते हैं और सभी के कष्ट दूर करते हैं। और अनेकों ऐसे वाक्य हुए हैं, अनेकों इतिहास में ऐसे आपको बहुत सारी उदाहरण देखने को मिलेंगे जहाँ भक्त के वश में भगवान होकर के उनकी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी लोक पर आए हैं और उनकी इच्छा पूर्ण भी की है और साक्षात्कार उन्होंने दर्शन दिए हैं। इसी तरह से जिस भाई साहब का भी कहना है कि अब भक्ति को कम ना होने दें, जिस तरह से आज दुनिया के अंदर भक्ति के प्रति जो लोगों का, जो आस्था के प्रति जो लोगों का जो झुकाव कम हो रहा है वो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़े संकटों का कारण ही वही है। और यदि व्यक्ति आस्तिक होकर भक्ति में लीन रहे तो उनको निश्चित रूप से कई कष्टों को दूर किया जा सकता है। तो आज जन्मदिन के अवसर पर अंत में क्या कहना चाहेंगे आप सभी से? बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, मेरी भक्ति है जो भी पाठ पूजा है जिसी मैं करती हूँ, मुझे वो नहीं है कि कौन क्या कहता है क्या बोलता है, मैं इनकी पूजा में खुश हूँ। मुझे इनसे सुबह सुबह रोज़ प्रार्थना करती हूँ, मुझे जो ज़िंदगी दी हो भगवान सबको दे, मैं बहुत खुश हूँ मेरी ज़िंदगी में। आज की ज़िंदगी में कोई बोलता है मेरे वो प्रॉब्लम मेरे को, मैं इनको बोलती हूँ बहुत खुश हूँ, और जैसे मैं खुश रहती हूँ वो सारे रहे इनसे। बस प्रार्थना करें इनसे जुड़े, ओम बन्ना सा नागणीची माँ सा माजी सा, हमारे जो भी देवता है, करणी माता, तन्नोट माता, जमुआई माता, हमारी कुलदेवी है ससुराल के, ये पीर के हैं। बिल्कुल, आज ओम बनासा का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये था हमारा विशेष कार्यक्रम ओम बनासा के धाम सुजानगढ़ धाम से। आज जगह जगह ओम बनासा के जितने भी धाम हैं सभी जगह पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और हमारा सुजानगढ़ से ये विशेष कार्यक्रम था ओम बनासा का, जहाँ पर आपने देखा कि विशेष रूप से आज सजावट की गई थी, तैयारियाँ हुई थी और महाआरती के भी हमने दर्शन किए। ओम बनासा के नाम से केक काटा गया, उनका जन्मदिन मनाया गया, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ आना हो रहा है और सभी भक्ति में लीन होकर ओम बनासा से अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, मनोरथ पूर्ण करने की कामना करते हैं। ये थे हमारा विशेष कार्यक्रम ओम बनासा के सुजानगढ़ धाम से। मैं हूँ नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।